हेलो गाइड्स, आज मैं और एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग के पास आ गए लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 वीडियो के साथ। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम तो आप लोग को मालूम है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले 2 टर्मिनल था, अभी मार्च एंड से न्यू टर्मिनल 3 स्टार्ट हो गया। हम लोग नहीं गए थे, पुराने में जाना आना हो रहा था। इस बार हम लोग टर्मिनल 3 से जा रहे थे। टर्मिनल 3 को आने के लिए ऊपर से फ्लाईओवर बना दिए पूरा टर्मिनल तक, और नीचे जाने से पुराना टर्मिनल पहुंच रहे हूँ। हम लोग ऊपर आ गए, टर्मिनल के पास पहुंच गए, फिर आकर डीजी यात्रा में आपसे हम लोग एंट्री कर लिए। एंट्री के बाद अंदर का व्यू देखिए, सामने चेक इन का देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। अंदर कितना बड़ा स्पेस भी है, बहुत अच्छे से बनाए। फिर चले चेक इन काउंटर के बैगेज ड्रॉप करने के लिए। फिर क्यू में जाकर खड़ा हो गए लाइन में। हमारा बारी जब आएगा, हम जो काउंटर को बोलेंगे। हम लोग इंडिगो में जा रहे थे, तो इंडिगो का जो खड़े है वो हमको जो काउंटर को बोलेंगे, हम लोग वही काउंटर पर जाकर हमारा पैकेज को ड्रॉप करेंगे। इसीलिए हम लोग वहाँ पर देखो, जो जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेल्फ है, खुद वो वेट कम, सामान कम है, वो लोग उस तरफ खुद एंट्री करके बैगेज ड्रॉप कर पाएंगे। हमारा तो लगेज था, इसीलिए हमको लाइन में जाना पड़ा, क्यू में खड़ा होकर पैकेज ड्रॉप करना था। पैकेज वेट करके आई कार्ड सी ओर दिखाना है, जरूरी है, वो चेक करते हैं टिकट और आई कार्ड। चेकिंग के बाद बैगेज स्टिकरिंग करके दे देते हैं, और हम लोग को बोर्डिंग पास बनाकर देते हैं। बोर्डिंग पास के टाइम सीट भी अलर्ट कर देते हैं, गेट नंबर भी अलर्ट हो जाता है बोर्डिंग पास में। चेक-इन के बाद हम लोग फिर चले हमारा केबिन बैगेज को पकड़ कर सिक्योरिटी चेकिंग के पास। सिक्योरिटी के लिए थोड़ा दूर है चेक-इन से, सिक्योरिटी चेकिंग को डिस्टेंस है, तो बहुत बड़े से बनाए। और हम लोग के भी न्यू था, हम लोग एंजॉय कर कर के देख देख कर आगे बढ़े। यहाँ पर ट्रॉली छोड़ना पड़ता है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाने के लिए। हम बैग पकड़ कर ट्रॉली रख कर यहाँ से वे टू सिक्योरिटी चेक लिखा है वहाँ छोड़ कर चल। देखो दो कुत्ता को लेकर जांच चल रहा था, कुछ पता नहीं। हम लोग चले, अरे सिक्योरिटी चेकिंग कहाँ पर आके, यहाँ पर भी एक बैगेज चेकिंग काउंट है, चेकिंग का। फिर हम लोग आगे चले, आगे जाकर धीरे धीरे आगे चले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो एक एंट्रेंस गेट भी है नंबर 2 वाला, उसके आगे काउंटर सिक्योरिटी चेकिंग का। हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर से वो लाइट को लगाए, बहुत अच्छे से बनाए। यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अंदर जाना है। हम लोग अंदर चले, मुझे बोर्डिंग पास दे रहे हैं, सिंगल सिंगल लेकर जाना पड़ेगा बोर्डिंग पास एंट्री के लिए। यहाँ पर स्कैन करके अंदर घुसे, अंदर आकर हम लोग ट्रॉली कलेक्ट किए। ट्रॉली में हमारा सब सामान, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, वॉच, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ भी हो, वो सब को निकाल कर ट्रे में डालना है। फिर ट्रे में डालकर रखने से स्कैन होकर, चेकिंग होकर बाहर
आएगा, उस हम लोग देकर फिर खुद का चेकिंग है, खुद को चेकिंग, लेडीज़ जेंट्स, लेडीज़ तरफ से मैं चेकिंग करके चला, चेकिंग करके पहुँच कर फिर कलेक्ट किए हमारा सामान, कलेक्ट करके गेट के तरफ बढ़े। देखो गेट के पास जाने के लिए कितने सुंदर से एंट्रेंस बनाए, सब लोग लगे थे, जो आ रहे थे कोई मोबाइल में फोटो खींच रहे, कोई रील्स बना रहे, कोई वीडियो बना रहे, जैसे मैं वीडियो बना रहा था, रील भी नहीं छोड़ा, आप लोग भी वो रील देखे शायद, मैं भी एक रील बना दिया, अच्छा लग रहा था व्यू ना। कितना सुंदर से डेकोरेटिव किए, एयरपोर्ट के अंदर लग रहा है, और कहाँ पर है हम लोग, एयरपोर्ट ना और कुछ प्लेस है। ठीक ऐसे व्यू देख देख कर वीडियो बनाकर मैं आगे चली, आगे जाकर फिर भी देखे, अरे बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ पर पौधा लगाए, कहाँ पर कुछ डेकोरेशन किए, ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े हमारा गेट के तरफ। आगे चलते चलते हम लोग सब आ रहा था, सब भी देख रहे थे, और यहाँ पर देख रहे थे हमारा फ्लाइट टाइम से है कि नहीं। फिर आगे बढ़े, सामान केबिन बैग को पकड़ कर, केबिन बैग में तो 7 kg आला है, उससे ज़्यादा नहीं, उसको पकड़ कर हम लोग आगे चले। फिर थोड़ा देख रहे थे खड़ा होकर, कितना सुंदर लग रहा था, और मैं सब देख रहा था क्या क्या मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पर, उसको देख देख कर हमारा गेट के तरफ। देखो वो साइड में कितना सुंदर से प्लांट्स लगा, आगे हमारा गेट के आसपास, गेट के पास पहुंचकर हम लोग खूब ढूंढे चेयर, कहाँ पर सीट वैकेंसी है, हम लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग का टाइम आएगा, इसीलिए टाइम था तो हम लोग बैठ गए। और बैठने के बाद में देखा, अरे थोड़ा फील्ड का भी अंदर का व्यूज थोड़ा ले लूँ, थोड़ा सा ले आया, हम लोग वही फ्लाइट में हम लोग जाएंगे, उसके अंदर अंदर हम चल कर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फ्लाइट के अंदर सामान भी रखना है केबिन में, केबिन सामान रखकर हमारा सीट में बैठने के लिए, थोड़ा भीड़ था तो हम लोग फिर बैठ गए आराम से, फिर जाकर पहुंच गए कहाँ पर पता है, बैंगलोर, हम लोग बैंगलोर में पहुंच गए और हमारा काम खत्म करके फिर जब लखनऊ लौटे वही टर्मिनल 3 में हमारा था। फिर बैग कलेक्ट करने के लिए गए,
हमारा बैग कलेक्ट किए, उसके बाद हम लोग बाहर जाने के लिए आ रहे थे। फिर देखे बाहर साइड में अंदर ओला उबर प्राइवेट टैक्सी सब कुछ बुकिंग के लिए खुले है, सब प्रीपेड टैक्सी उबर ओला सब जिसका ज़रूरत है वो वहाँ से बुक करके जा पाएंगे। फिर गेट नंबर 2 से हम लोग बाहर निकले, एग्जिस्ट किए कि उबर से आना है, हम लोग को उबर बुक किए थे। फिर देखे शाम सीधा गेट से निकलोगे तो सामने किसी का पर्सनल गाड़ी है, जो पर्सनल लेने के लिए गाड़ी आता है वो सामने जाएगा। हम लोग का लेफ्ट साइड में उबर स्टैंड है, उबर ओला टैक्सी पिकअप पॉइंट उस तरफ लेफ्ट साइड में। जस्ट एंट्रेंस से बाहर आओगे तो सीधा जाओगे पर्सनल व्हीकल के लिए, जो ओला उबर पिकअप पॉइंट लेफ्ट साइड में बनाए। फिर हम लोग चले, वही सुंदर सुंदर व्यूज देखकर हम लोग आगे गए। आगे जाकर व्यू को कैप्चर करके फिर लेफ्ट से हमको राइट जाना पड़ा। राइट जाने के बाद हमको पिकअप पॉइंट मिल गया, हमारा गाड़ी आकर खड़ा था। देखो बाहर का व्यू एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का, लखनऊ एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 बाहर का व्यू। फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर चले। आप लोग को आज का वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग शेयर कमेंट्स करना। ओके, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।